वेटेरियन एक्टर दिलीप साहब के निधन को 5 दिन गुजर गए हैं। अब इन 5 दिन के बाद जो है, 5 दिन जैसे तैसे गुजार रही दिलीप साहब की पत्नी सायरा बानो की बात की जाए तो सब जानते हैं कि दिलीप साहब की पत्नी सायरा अब अपने पति के बिना, जीवन जीने के कारण के बिना एक एक दिन बड़े ही मुश्किल में गुजारने वाली हैं। ऐसे में आपको हमारे इस खास रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे दिलीप साहब के लिए सायरा बानो का वो स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने दिलीप साहब के बारे में कई बातें और शेयर की थी। अब तो दिलीप साहब के लिए सायरा बानो का जो प्यार पुराने दिन थे वही लोगों को सिर्फ याद आ रहे हैं। जब दिलीप साहब सायरा बानो के सामने थे, जब बच्चों की तरह दिलीप साहब की सेवा करती थी सायरा बानो ने दिलीप साहब के लिए दिन रात सिर्फ और सिर्फ दुआएं की। और दिलीप साहब के लिए सायरा बानो हमेशा यही कहती थी कि वो अपने पति के बिना अपनी ज़िंदगी तो सोच ही नहीं सकती, क्योंकि उनके जीवन जीने की वजह दिलीप साहब है। दिलीप साहब की खुशियाँ, दिलीप साहब की ज़िंदगी, सब कुछ दिलीप साहब। ऐसे में दिलीप साहब के बारे में बात की जाए, पहली दफ़ा ही दिलीप साहब को दिल दे देने वाली सायरा बानो, पहली दफ़ा ही देखने के बाद उन्हें अपनी मोहब्बत अपने जीवन मानने वाली सायरा बानो ने एक सवाल का जवाब दिया था। कहा था, लोग दिलीप साहब के बारे में कुछ और सोचते, हाउ कैन यू हैव पीपल स्टैंडिंग इन फॉर दिलीप कुमार एंड अमिताभ बच्चन, शक्ति शुड नॉट बी रीमेड। जी हाँ, शक्ति फिल्म को रीमेक बनने को लेकर सायरा काफ़ी गुस्सा हुई थी दिलीप साहब के निधन से पहले। शक्ति फिल्म में अमिताभ और दिलीप कुमार थे, और दिलीप कुमार और अमिताभ की जगह क्या कोई ले सकता है कि इसकी रीमेक बनाने के बारे में लोग ख्याल भी करते हैं। ऐसे सायरा बानो ने गुस्सा जाहिर किया था कि लोग उनकी जगह लेने के बारे में या फिर उनकी जगह किसी और एक्टर को रखने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।